मंत्री संग्राम सिंह सोच रहा है कि नयन कुमार जान नहीं पाएगा, तुम नयन कुमार का कुछ नहीं कर सकते। द्वारपाल इधर आओ, देखा उस कमीने संग्राम सिंह को वाइठा पर रहा टहर रहा है। जी जी, कह रहा है कि नयन कुमार को जाने नहीं दूंगा। हाँ, ऐसा होगा? ऐसा कहा हो नहीं होगा? ऐसा तो हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर ये नयन कुमार के रास्ते का रोड़ा बनेगा जी, तो संग्राम सिंह मैंने महाराज का नमक है। क्यों नहीं? अरे कमीने, नयन कुमार के रास्ते का रोड़ा बनेगा तो कमीने मैं तेरे रास्ते का रोड़ा बन जाऊंगा। बिल्कुल सही, तू नयन कुमार का बाल बांका नहीं कर पाएगा और वो अपने रास्ते को जरूर जाएगा अपनी मंजिल तक। जी जी, अगर तुम बीच में आते हो संग्राम सिंह तो ये रणजीत सिंह तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम्हें हर एक मोड़ पर मैं मिलता रहूंगा। क्यों नहीं? आ मेरे साथ। क्यों नहीं भैया? आए बच्चा इधर आ। अरे हाँ का नहीं, वो क्या कहते हैं, हाँ हूँ, ऐसे बोलो। सौरी सौरी नहीं, सारे सिंगी। अरे कौन सी जात है? समझावन दास का क्या हो गए रे? ए ए मुछड़ी धरा है, देखा तूने? देखा जिस समय भरे दरबार मीरा को उठा लिया, महामंत्री संग्राम सिंह मेरा पीछा किया है। ऐसा नहीं होगा इस नरवरगढ़ में। हम ये नहीं समझते थे कि आपके जैसा कोई वीर होगा। आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है, लेकिन लेकिन क्या है, आपने अपने तकदीर और अपने भविष्य को नहीं समझा है। बीड़ा उठाने का मकसद आप समझते हैं? हाँ समझता हूँ। कि अगर जो कोई बीड़ा उठाएगा वो आधे राज और ताक का मालिक होगा और राजकुमारी के साथ शादी होगी। शादी होगी, क्या ऐसा आप कर सकते हैं? इसीलिए तो मैंने भरे दरबार बीड़ा उठाया है। बिल्कुल सही, आप पे हमको फक्र है। ये बताओ कि संग्राम सिंह मेरा पीछा किया है? संग्राम सिंह ने आपका पीछा किया है, और जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से इस नरोरगढ़ रियासत को छोड़कर। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आओ आओ महारथी आओ। आइए बाहुबली। नयन कुमार कहाँ जा रहे हो? चाहते हो कहाँ जा रहे हो? जहाँ जा रहा हूँ आपको खुद मालूम है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। नयन कुमार मेरा कहना मानो, बीड़े को रख दो नहीं तो और वापस चले जाओ। जो तुम्हारी माँ विधवा बावली है ना, सकूने चैन से जी रही है। हाँ। अगर तुमने बीड़ा नहीं रखा तो कसम है पैदा करने वाले की सकूने चैन से जीने नहीं दूंगा। महामंत्री संग्राम सिंह ऐसा नहीं होगा, हम बीड़ी को नहीं रखेंगे। करना जो कुछ है कर सकते हो। क्या कहा? बात छोड़ो, अपने
ये साले मोछा नीचे कर, नीचे कर। तुम्हारे कहे जब मोछा नीचे ना हो गई है, नीचे कर। कम देर तो 20 दिन लागे खाली हवा में। अच्छा हवा में तो है मोछाड़। महामंत्री संग्राम सिंह से कह दो कि हमारा रास्ता छोड़ दे, अन्यथा इस नरवरगढ़ रियासत में खून की नदियां बहती नजर आए। देखो ये बीड़ा उड़ा उठाए से तुम कुछ करना पाई हो। अच्छा हाँ, ये हमारे मंत्री साहब हैं, कौन करे हैं यही करे हैं। तुम्हारे बस का ही नहीं, लेका इनका दे दियो कुछ रहे। और जौनी की यौनी वही की जौनी जब जब ससुर की करे, हम जौनी की आईनी वही कहीं जाए। ऐसा करो चलो यहाँ से निकल चले। हमरा कहना मान जाओ, नहीं याद रखो, तुमको यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे भुजाओं में ताकत है तो देख लेता हूँ तेरी ताकत, तैयार हो जाओ। संग्राम सिंह जो जीतेगा वही वीर रह जाएगा। नयन कुमार याद रखो, तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया ठाक कर दूंगा, इस दुनिया से तेरा किस्सा। तो गर्मा का दूध पिया, आ मैदान जंग में हड्डियां पसोड़िया तोड़ के डाल दू जिंदा में। कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम क्षत्रियों के दिल में कोई तैयार। नयन कुमार किस हाल में हरी? हराम जादे शेर लोहे की जाल में शेर बनता है। ध्यान से सुन मेरी बात को, कहना क्या चाहते हो? कुमार हर पीड़ा उठाया है नहीं किया मेरा, उठाया
कीड़ा उठाया है नहीं किया मेरा पाप और बीड़े को फरारे और बीड़े को रख दे यहाँ कहता है पीड़ा रखता कि नहीं रे संग्राम सिंह ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा नहीं होगा और पीड़ा रखू बा नहीं सुन लीजिए संग्राम संग्राम सिंह बीड़ा उठाया है तो रखने के लिए नहीं अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो मुझे छोड़ दो और जिस काम के वास्ते जा रहा हूं उस काम के लिए जाने दो। नयन कुमार अगर तूने बीड़ा नहीं रखा तो याद रखो हम तुम्हें ऐसी जगह मार दूंगा कि एक बूंद पानी नहीं होगा। संग्राम सिंह अगर पानी होगा तो कोई पानी देने वाला संग्राम सिंह मारते मारते मुझे मार डालो क्यों ना मेरी जान चली जाए लेकिन पीड़ा नहीं रखूंगा। ये रियासत हमारी है इलाका मेरा है यहाँ की जनता हमारे नाम की सुबह शाम नारा जपती है और कुछ साले दो पैसे के ले शनि से तार गोठरी में बंद कर दे कल भोर होते ही इसको फांसी का फंदा छुड़ा दूंगा। ना रहेगा बास ना ही बजेगी बांसुरी याद रखो। लगातार आप चलो इनका हम लिए ताईत है कहावत में कहा है कलयुग का वास हो कलयुग का वास हो सत्य का सत्य याद रखो काट कर फेंक दूंगा अगर तुमने पीड़ा सत्य का सत्यानाश हो और कलयुग का वास हो। सिपाही सिपाही हम चल रहे हैं फौरन साले को काली कोठरी मिलाओ मारते हुए लेके आओ।
अगर छूट कर पाया ना, हाँ? साले पटक के मारूंगा। तुम हमारे लोगन के दोनों भैया के झांखा नहीं उखाड़ सकते हो। वक्त बताएगा। अरे जिस समय छूट गया उस समय समझ लो कि तुम्हारी मौत आ गई। अरे बेटा, हम लोगन से बच के गई हो तब तो। वक्त को हम दोनों भाई आने नहीं देते। अच्छा, अब आ ही जाता है तो उसको बदल देते हैं। अच्छा, हमारी मौत तुम्हारे हाथ है, तुम दोनों की। यस यस, यहाँ के यमराज है। ये बॉडी जोन दिखा रहे हो ना? हाँ, बॉडी मिल जाए। ढाई मिलेंगे बेटा। तोहरी तरह ये पील बॉडी नहीं ना। हाँ, फेवर है। ढाई किलो का हाथ है, जिस पे पड़ जाता है ना तो सोने का थो बड़ा बिगड़ जाता है। ठीक है, बतलाएंगे फिर। अरे हम लोग पशुहार खाते हैं, पशुहार खाते हैं। ए, चलो इधर आओ। कहाँ ले जा रहे हो? मालूम नहीं है, हम बताते हैं कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ। अरे शरत हुई है, अरे शरत हुई है, दही जरा उजियल मसरत हुई है, दही जरा उजियल मसरत। हरामजादे, ये जो कमर बनवा के आए हो ना, पटक के मारूंगा। ए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े पोछा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े पोछा, खोपड़ी बचूल चुअत होई है, खोपड़ी बचील चुअत होई है, दही करम पियल। यारे, इतने दिन मुझे रखेगा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी भी हो जाएगी, बड़े बड़े मोछा और खोपड़ी बचील चुअत। आराम जादे, इतने दिन तक हम नहीं रह पाएंगे, हम बहुत जल्द यहाँ से छूट कर जाएंगे और तुझे साथ में लेकर जाएंगे। हराम जादे, ले चला ले चला। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े पोछा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े पोछा, खोपड़ी बच्ची लचुअत होई है, दही जरा उजियल संग्राम सिंह, तुमने नयन कुमार को अरेस्ट करा लिया है, लेकिन मैं चलकर से छुड़ा देता हूं। तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे संग्राम सिंह। सेनापति जी, नयन कुमार को, नयन कुमार को उस संग्राम गिरफ्तार करके ले गया है। वो तुम्हारा साथी जो है ना, उसने मुझसे आकर के बताया। ओह, वो कमीना संग्राम सिंह नयन कुमार को रास्ते में अरेस्ट करा करके जेल में डाल दिया है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं चल रहा हूँ, नयन कुमार को छुड़ा दूंगा, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। सेनापति जी बोल, आप अपने हेल्थ को और अपने ईश्वरी की लाज रखिए। तू तो जानता है, तू जानता है कि मैं वफादार हूँ, महाराज का नमक। सही कहते हैं सेनापति जी, वफादार हूँ, वफादार, वफादारी का सबक पाया हूँ, ये वो हाथ है जिन हाथों से महाराज का नमक खाया हूँ। सही कहते हैं सेनापति जी। संग्राम सिंह अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा,
और मैं नैन कुमार को उसकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। सही कहते हैं सेनापति जी, लेकिन सेनापति जी कहना है क्या? और हिंदी के नो जवानो उठो शान से, हिंदी के नो जवानो उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए।